हेलो एवरीवन, इट्स योर फ्रेंड स्टेला हियर। हेलो, यहां आपका मित्र स्टेला हाजिर है। द वेदर इज सो वंडरफुल आउटसाइड। बाहर मौसम बड़ा बेहतरीन है। सो आई थॉट आई जॉइन माय ग्रैंडमा हु इज सिटिंग एंड रीडिंग हर बाइबल देयर। मुझे ऐसा लगता है मेरी दादी वहां बाहर बाइबल पढ़ रही, उनके साथ मैं मुलाकात करूं। आई प्रिपेयर्ड सम कॉफी एंड आई थॉट आईड ब्रिंग यू अलोंग एज़ वेल। मैंने कुछ कॉफी बनाया, मुझे ऐसा लगता है आप भी मेरे साथ शामिल हो जाएं। सो कम एंड लेट्स सी व्हाट गोज़ ऑन। आइए हम देखते हैं आगे क्या होने वाला है। Mama, I'm here to join you on your... Hello, darling. Welcome. जी पामा, आपके साथ मैं अभी मुलाकात कर रही हूँ। जी आपका स्वागत है। So, I just brought some coffee to join you on your special Bible time. Thank you, Ma. Thanks, Uma. Thanks, Karne. जी हाँ, आपके बाइबल पढ़ने के समय मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के लाई हूँ। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। So, it's a lovely place that you picked to spend time on your birthday. जी हाँ, आपने लिए बड़ा जन्मदिन में बड़ा खूबसूरत स्थान आपने चुन लिया है। Such beautiful weather. Yes. बड़ा अच्छा मौसम है। Yes, so wonderful. जी हाँ, बहुत बेहतरीन मौसम है। So we have the same name. जी हाँ, हमारा नाम भी एक जैसा है। And my parents named me after you and my other grandmother. जी हाँ, मेरे माँ पिताजी ने मेरा नाम आपके बाद और एक नानी के बाद मेरा नाम रखा है। Do you find any similarities between us? आपको ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुछ समानता है? Beauty wise, you are so beautiful. No comparison. ऐसे बहुत ही आप खूबसूरत है, आपके और हमारा कोई तुलना नहीं हो सकता। Some similarities are there. कुछ समानताएं हैं। I was the youngest child, you were also the youngest child. मैं घर में सबसे छोटी थी, आप भी सबसे छोटी हैं। You were born as after 6 years. Your sister is 6 years elder than you. आप अपने दीदी के 6 साल बाद पैदा हुई थी, आपके दीदी आपसे 6 साल बड़ी है। Same thing, my sister is 5 years elder than me. मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरी बहन मुझसे 5 साल बड़ी हैं। I was a naughty girl when I was a young child. My father used to beat me for everything. जब मैं छोटी थी बहुत नटखट थी, हर एक बातों में मेरा पिताजी बड़ा मारा करते थे मुझे। You are also giving so much problem, especially during the recording time. You are naughty. आप भी बड़ा परेशान करती थी, खासकर रिकॉर्डिंग के समय बड़ा नटखट थी आप। Friends, welcome to family time. तत्त्वमत भाई को ले तेजरनी। 1, 2, 3. Welcome to family time. Welcome. Other than this, I have noticed one thing. You are punctual in everything, just like me. इसके अलावा एक बात का मुझे ध्यान है, हर एक बातों में मेरे जैसा बिल्कुल आप समयनिष्ठ हैं। When we have to get ready and give the boxes to the people to carry to the airport, you will be doing it at the right time. 7 o'clock means 7 o'clock it will be there. जब भी हम तैयार होकर एयरपोर्ट जाना होता है, बॉक्सेस को किसी के हाथ में देना होता है, अगर 7 बजे का समय होगा आप भी 7 बजे बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। टाइम कीपिंग इज वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी एंड थ्रिल्ड टू नोटिस दैट। आप जो है बहुत समयनिष्ठ है, ये बात देखकर मैं बड़ा हर्षित हूँ। Yes, something that I notice is that we both need everything to be perfect. Yes. जी हाँ, एक बात का मुझे ख्याल है, हम दोनों हर एक बात को बड़ा सिद्ध हमें चाहिए। In the right place, in the right time, in the right way. सही समय, सही काम और सही तरीका से हमें काम करना है। Many times, if it's not done the right way, we get very frustrated. कई बार अगर सही तरीका से किया नहीं जाता है, हम बड़ा जो है गुस्सा में आ जाते हैं। So even though we might not be together all the time, but even through the genes, it comes along. Yes. अगर हम लोग साथ साथ नहीं है, लेकिन हमारे खून में इस तरह का खूबियां हैं, हम कभी कभी निराश हो जाते हैं। So I'm glad that I have that trait from you. I too appreciate that. मैं बड़ा हर्षित हूँ कि आपका ये खूबी मेरे अंदर समा गया है, मैं भी आपसे बड़ा हर्षित हूँ। So even now I want to know more about your personal life and growing up. अभी आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कैसे आप बड़ी हुई थी मैं जानना चाहूंगी। So how did Jesus become real in your life? यीशु कैसे आपके जीवन में बहुत वास्तविक हो गए थे? When I was in the hostel, I missed the love of my parents. उसी तरीके से जब मैं हॉस्टल में थी, मेरे माँबाप का प्यार बड़ा याद आता था। I felt very lonely. बड़ा अकेलापन महसूस हुआ मुझे। That time God filled that room where I was sitting and crying for love.
the Lord's presence filled my room and a peculiar divine love filled my heart. उस कक्षा में बैठ के जब मैं रो रही थी, परमेश्वर की हजूरी मेरे सामने उतर आया और एक बेहतरीन अनोखा प्रेम मेरे दिल को भर डाला. I didn't see the face of Jesus, but he spoke to me. All the time I used to hear his voice. यीशु का चेहरा मैं नहीं देख सकी, लेकिन यीशु ने मुझसे बात किया. हमेशा मैं यीशु की आवाज को सुनती हूँ. He said, "My daughter, I love you so much." उन्होंने कहा, मेरी बेटी, मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूँ. My love is enough for you. मेरा प्रेम तुम्हारे लिए पर्याप्त है. That love filled my heart, and I started to love him with all my heart from that day onwards. उस दिन के बाद से परमेश्वर का प्रेम मेरे दिल को भर डाला और हमेशा मैं उनको प्यार करती चली गई. He became my best friend from that day onwards. उस दिन के बाद वो मेरे श्रेष्ठ मित्र बन गए. So it is the love of God that changes us. That's true. ये परमेश्वर का प्रेम हमें बदल डालता है. जी हाँ, बिल्कुल सही बात है. It is his love that makes us live a life pleasing to him. That's right. उनका प्रेम हमें जो है उनको भाता हुआ जीवन जीने में मदद करता है. जी हाँ, बिल्कुल सही बात है. So after that, after you got married, you faced a lot of distress in your life. आपकी शादी के बाद आपके जीवन में कई तरह का परेशानियां आया. Whether it be sickness or conflicts or financial problems or even losing a loved one. बीमारी थी और आर्थिक कठिनाइयां था, विरोध था और आपने अपनों को आपने खो चुका था. You've gone through so much of trials and tribulations. That's right. आपने जीवन में बहुत सारा संकट और परीक्षा से आप गुजरी थी. Even in those moments, how were you so strong in God that you refused to let go of him? वो समय, वो संकट के समय आप परमेश्वर में इतना मजबूत कैसे बनी रही और कोई भी परेशानियों का सामना बिल्कुल मजबूती से आपने कैसे किया? When I got engaged to your grandpa, that day the pastor read this portion. That is from Proverbs chapter 31. Especially the 30th verse says, "The beauty is vain, but the woman who fears God shall be praised." जब आपके दादाजी के साथ मेरा engagement हुआ, एक पासवान जो है नीति वचन 31 जो है पूरा पढ़ के हमें सुनाए थे. That was just for me. वो बिल्कुल मेरे लिए था. Because I didn't have the fear of God till then. उस वक्त तक परमेश्वर का भय मेरे मन में नहीं था. So from that day onwards, a special fear of God filled my soul, and I did everything with the fear of God, and God was with me, and He was leading me, and whenever I went through problem, He was there to lead me in a beautiful way. उस दिन के बाद से परमेश्वर की भय मेरे दिल में समा गई. परमेश्वर बड़ा खूबसूरत तरीका से मेरी अगुवाई करने लगे और उस दिन के बाद से मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया. I'll just kneel down and tell the Lord whatever problem I'm going through, sickness or all the problems I went through, I used to tell him, and he'll be there to take away everything in a beautiful way, and he taught me good lessons. मैं घुटने में आके मेरे जीवन की सारी परेशानी परमेश्वर से साझा करती थी और परमेश्वर हर एक बात मुझे सिखाते थे और कई तरह का शिक्षा मुझे परमेश्वर के सामने से मिली थी. When we have the fear of God, we will have a victorious life. जब परमेश्वर का डर हमारे मन में रहेगा, हमारे जीवन में हम जयवंत हो जाएंगे. So it is not just trusting God in the big things. केवल बड़ी बातों में परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करना है. But even in the little things you trusted God. लेकिन छोटी-छोटी बातों में आपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया था. And it is having him as a friend to lead you. अपने दोस्त के रूप में आपने उनको स्वीकार किया था कि वो आपकी अगुवाई करे. And you said that you were able to trust God even through the lessons, even through the hard times. आपने कहा आपके कठिन समय में आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखी थी. That He was teaching you, molding you, and shaping you into the woman who will be praised. वो आपको सिखला रहे थे, आपके जीवन को तराश रहे थे ताकि उस तरह का आप स्त्री बन जाएं जिनका प्रशंसा परमेश्वर करने लगे. So that is something beautiful that you've learned in your life. That's बड़ा right. खूबसूरत बात अपने जीवन में आपने सीखा था. That's right. सही बात है. So we hear grandpa and dad sharing all these supernatural experience that they have. हमने सुना है दादाजी और पिताजी अपने जीवन की बड़ा अलौकिक बातों को हमारे साथ साझा करते थे. Grandpa always says he sees God face to face, speaks to him and goes to heaven and hell and sees all of these things that God shows him.
लालाजी अक्सर कहते थे वो स्वर्ग देखे हैं, नरक देखे हैं और परमेश्वर कई तरह का गुप्त बात उनको दिखलाए थे, परमेश्वर को आमने सामने वो देखे थे। So what is your experience like? What supernatural experiences did you face in your spiritual life? I'm glad to explain that to you, my granddaughter. आपके आत्मिक जीवन में किस तरह का अलौकिक बातों का सामना आपने किया था, जरा बताएंगे आप? I used to do one thing. लेकिन मैं एक काम करती थी। Early morning, 4:30, even 3 o'clock, sometimes the Lord will wake me up. बहुत भोर को 4:30 बजे, कभी कभी 3 बजे भी परमेश्वर हमें उठाते थे। As I said, with the fear of God, I used to get up immediately and spend time in the presence of God. जैसे मैंने आपको बताया, परमेश्वर के भय के माध्यम से मैं तुरंत उठ के परमेश्वर के सम्मुख उनका हुजूरी में समय बिताती थी। That time, the presence of God will fill me and I will be enjoying His presence, shouting with joy and doing all sorts of things. And that time, the Lord will speak to me what I should do for preparing messages, for everything He will teach me. उस वक्त परमेश्वर की हजूरी से मैं भर जाती थी, परमेश्वर के आनंद से मैं भर जाती थी और मैं बहुत हर्ष के मारे चिल्लाती थी और परमेश्वर कई बात हमें उस वक्त सिखाते थे। That is the way God is helping me and speaking to me and guiding me. After your grandfather's death, the Holy Spirit is speaking to me like a person and He is guiding me in a beautiful way. उसी तरीके से परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं, मेरी अगुवाई कर रहे हैं। आपके दादाजी के देहांत के बाद पवित्र आत्मा मुझे बड़ा अद्भुत रूप से मेरी अगुवाई कर रहे हैं। So it is that personal relationship with God. That's right. परमेश्वर के साथ जो व्यक्तिगत रिश्ता है उसके माध्यम से ऐसा काम आप कर पा रही हैं। That's right. सच बात है। Feeling His presence. परमेश्वर की हजूरी को आप महसूस कर रही हैं। Hearing His voice talking to you like a friend. एक मित्र के समान उनके आवाज को आप सुन पा रही हैं। And revealing things through the word of God. और परमेश्वर के वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको प्रकाशन दे रहे हैं। Yes, that is how the Holy Spirit leads us each day. जी हाँ, इसी तरह पवित्र आत्मा हर रोज हमारी अगुवाई करते हैं। That is beautiful. So what is something that you think your grandchildren can adopt from your life? ये बड़ा खूबसूरत बात है। आपको ऐसा कौन सा बात लगता है कि आपके नाती पोता आपसे कुछ बात उनको सीखना है? As we mentioned, is it the punctuality, the discipline, the perfection, or is it something else that you're thinking of? जैसे हमने बात किया कि समयनिष्ठता है और आपका जो नियम है, ये सब बात सीखना है या कुछ और बात, अनुशासन और कोई बात सीखना है? It's a greater thing than that. उससे बड़ा बात आपको सीखनी है। My home was built up because of that. मेरा घर उसके माध्यम से बनाया गया था। My father-in-law used to teach me and he used to guide us. And every morning he'll sing a song and he'll kneel down and pray. मेरे ससुर जी मुझे सिखाए थे और मेरी अगुवाई किए थे। हर एक सुबह वो उठकर घुटने में आके प्रार्थना करते थे। We all followed his ways and I liked it. हम सब ने उनका अनुकरण किया और उनसे बहुत सारा बात सीख लिया। So in our home also, in our family life also, we followed the same thing. हमारे पारिवारिक जीवन में भी हमने ऐसा ही काम करने लगा। According to these two verses, Isaiah 60:21 and 59:21, these two are great verses. And according to that, the Lord is building my home until today. इसाया 61 और इसाया 59:21, ये दोनों बेहतरीन वचन के माध्यम से परमेश्वर अभी तक हमारे घर की अगुवाई कर रहे हैं। I'll read one verse. मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। Isaiah 61:9 says, their descendants shall be known among the Gentiles, and their offspring among the people. All who see them shall acknowledge them, that they are posterity whom the Lord has blessed. इसाया 61:9 में इस तरह से लिखा है, उनका वंश अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि ये वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया है। Yes, I wanted my family to become like that. जी हाँ, मैं चाहती हूँ मेरा परिवार ऐसा ही बन जाए। So I'm praying that you should follow the same thing. मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि आपको भी ऐसा ही करना है। So the way we lead our life is not just for our sake. जी हाँ, हमारा जीवन बिल्कुल हमारे लिए ही नहीं है। It will affect the generations to come. ये जो है आने वाले पीढ़ियों को भी जो है प्रभावित करेगी। So it is the example that we set for our children which will continue on and on. जिस तरह का जीवन हम अपने बच्चों के सामने जीते हैं, वो जीवन उनको प्रभावित करता है। And God blesses the life and the generation of the righteous.
परमेश्वर जो है धर्मियों के पीढ़ी पीढ़ी दर आशीष देते हैं। So we are all blessed because of how you all lived your life. हम सब आशीषित हुए इसलिए किस तरह का जीवन आप लोगों ने जिया है। So that is wonderful. Now I want to play a small game with you. ये बड़ा खूबसूरत बात है। अभी एक छोटा सा खेल आपके साथ खेलना चाहती हूँ। Yes, you are welcome. जी हाँ, आप शुरू कर सकती हैं। So you should answer these questions in short ways, in just two lines, and we'll play this game. Okay. ये सब सवाल आपको छोटा छोटा उत्तर देना है, ऐसे हम लोग इस खेल का शुरुआत करेंगे। So the first question is, if we give you 100 rupees, how would you spend it? पहला सवाल है, अगर आपके हाथ में हम 100 रुपया देंगे, आप वो पैसा कैसे खर्चा करेंगे? It is not like a game, it's a truth I am going to speak. Okay. ये खेल की बात नहीं है, मैं एक सच्चाई की बात आपसे साझा करना चाहती हूँ। Whatever is given in my hands, even 5 rupees or 50 rupees or 50,000, I give it in the hands of God. हमारे हाथ में जो कुछ दिया गया, 5 रुपया हो और 50,000 रुपया हो, सारा बात मैं परमेश्वर के हाथ में सौंपती हूँ। With trembling heart, I will tell the Lord, Lord, this money comes from you. एक कंपित हृदय से मैं परमेश्वर से कहती हूँ, परमेश्वर ये पैसा आपकी ओर से आया है। Teach me, Father, how I should spend. ऐ पिता, मुझे सिखलाए मैं ये पैसा कैसा खर्चा करूँ। God is guiding me until today in a beautiful way. So that I am able to spend the money in a useful way. मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर मुझे बड़ा अद्भुत तरीका से सिखा रहे हैं ताकि पैसा को मैं सही तरह से खर्चा कर सकूँ। I thought you'll say you'll buy a plant with that money. मुझे ऐसा लगा कि आप कहेंगे उस पैसे से मैं एक पौधा खरीद लूँगी। Because we know how much you love gardening and how much you love animals and taking care of lots birds. Of birds and fish. हम देखे हैं कैसे आपको गार्डनिंग करना, कई तरह का जानवर, पंछी या मछली आप किस तरह से पसंद करती हैं। But it is very important to give even our finances unto God. That's right. लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण बात है, हमारी आर्थिक बात भी परमेश्वर के हाथ में हमें सौंपना है। So the next question is, what would you like to learn even at this age, something new? और एक सवाल है, इस उम्र में भी कौन सा नई बात आप सीखना चाहती हैं? I'm spending lot of time in the presence of God. मैं परमेश्वर की हुजूरी में बहुत समय बिताई। But I'm not happy at all. लेकिन मैं हर्षित नहीं हूँ। Because as your grandfather saw Jesus Christ face to face, just like a friend, he'll say, Jesus was sitting before me. आपके दादाजी कहते थे, प्रभु यीशु को मैंने आमने सामने देखा, प्रभु यीशु एक मित्र के समान मेरे सामने बैठे हुए थे। I know when I go to heaven, I will see the Lord face to face. मुझे पता है जब मैं स्वर्ग जाऊंगी मैं प्रभु को आमने सामने देखूंगी। But here, when I pray, especially on Tuesdays, I used to ask the Lord, Lord, come, speak to me. And I will cry like that. But it has never happened all these days. Maybe someday or other, God will hear my cry. खासकर हर एक मंगलवार को जब मैं उपवास प्रार्थना करती हूँ, मैं परमेश्वर को पुकारती हूँ, परमेश्वर मैं आपको आपने सामने देखना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक परमेश्वर को मैंने आमने सामने देखा नहीं, शायद आने वाले काल में मैं उनको आमने सामने देखूंगी। What is your favorite memory as a grandma? एक दादी होने के नाते आपका सबसे बड़ा यादगार बात कौन सा है? As a grandma, I love to be with you all and spend time with you all by seeing your action, especially now this great grandchild is there. I'll be working hard sometimes. विशेष रूप से दादी होने के नाते मैं आप लोग के साथ समय बिताना चाहती हूँ, और आजकल जो है हमारे जीवन में मेरा परपोती आई है, मैं उनको देख के बड़ा खुश हो जाती हूँ। कभी कभी जब बड़ा मेहनत करती हूँ, When I become tired, I'll say, let me go and enjoy great granddaughter's presence. I'll go there and spend time with her. That is my joy. जब मैं थक जाती हूँ काम करते करते, मैं जाके अपना परपोती के साथ समय बिताती हूँ, ये मेरे लिए बड़ा आनंदपूर्ण बात है। Even now, Katie, she's just started speaking, so it's very interesting. अभी केटी ने बात करना शुरू किया, ये बड़ा हम लोगों के लिए अनोखा बात है। That's right. सच बात है। So going back, What is one thing that grandpa always used to get scoldings from you for? अगर पीछे मुड़ के देखेंगे, ऐसा कौन सी बात है हमेशा आप दादाजी को डांटा करती थी, ऐसा कौन सी बात है? He was very bad in health, keeping his time. He won't eat properly, he won't sleep properly, but he was very weak in his body. So I was worried. उनका स्वास्थ्य बड़ा खराब रहता था, वो समय पे खाते नहीं थे, ठीक से सोते नहीं थे, बड़ा कमजोर थे, मैं उनके लिए बहुत चिंतित थी। Night 8:30 I'll say, where is that grandpa? Where is my husband? Send him quickly. I'll cry to the people. 8:30 बजे मैं शाम को कहती थी, मेरा पति कहाँ चले गए? उनको घर में भेज दीजिए. And he will come immediately. वो तुरंत आते थे.
Sometimes you'll say to your mom, take care of your mother-in-law. She's scolding me. Let me come late. I have a lot of work. कभी कभी वो आपकी मम्मी से कहते थे अपना सासू का आप ख्याल रखे, वो मुझे डांट रही है आज मैं जल्दी नहीं आ सकता, मैं बड़ा देर से आऊंगा. Because of his health only I was cold. उनके स्वास्थ्य के लिए मैं उनको डांटा करती थी. One thing I remember is even though he had diabetes and weakness in his body, he would happily eat a lot of mangoes. Mangoes, sugar cane, all such things. मुझे एक बात याद है, हालांकि उनके डायबिटीज़ का परेशानी था, उसके बावजूद कई तरह का जो है आम वो खाने में बड़ा खुश होते थे. जी हाँ, आम, उसके अलावा जो है शुगर केन का जूस भी पिया करते थे. He would enjoy all his favorite food. वो अपना सारा प्रिय खाना उसका आनंद उठाते थे. That's right. सच बात है. So that is the type of person, very happy person, very joyful person, grandpa was. हमारे दादाजी बहुत हंसमुख, बहुत दिलदार व्यक्ति थे. There are a lot of young women who have a lot of dreams that they want to achieve. एक अंतिम बात पूछना चाहती हूँ, कई जवान लड़कियां हैं, उनके जीवन में बहुत सारा सपना है. So whether it be starting a business, starting a family, or many other things that they want to do with all their strength. शायद वो व्यवसाय करना चाहती है, एक परिवार का शुरुआत करना चाहती है, कई तरह का काम वो अपने जीवन में शुरू करना चाहती है. But the society around them might just base them off of their looks, their appearance, and say that they are very weak and very inferior. शायद समाज जो है उनको बड़ा छोटे नजर से देखते हैं और कहते हैं आप बड़ा कमजोर हैं, आप इस काम के बिल्कुल काबिल नहीं हैं। So how can the young women of this generation have confidence to face the world? इस युग के जवान लड़कियां जो है किस तरह से आत्मविश्वास पाके संसार का सामना कर सकती हैं? Let me tell you one verse from the Bible. बाइबल से एक वचन आपसे साझा करना चाहती हूँ. Psalm 29:11. जो है वचन संहिता 29:11 में लिखा हुआ है. He gives strength to his people. वो अपने लोगों को सामर्थ देते हैं. So all those people have to become his children. उन लोगों को उनका संतान बनना है. Then they have to believe the word of God. उनको परमेश्वर के वचन पे यकीन करना है. Then they have to pray and look to God for everything. हर एक बातों पे प्रार्थना करके परमेश्वर की ओर निहारना है. Then God will do everything for them in a beautiful way. तब परमेश्वर बड़ा खूबसूरत तरीके से उनके लिए सारे कामों को साकार करेंगे. All the girls who are following this, you have to follow this advice and your life will be a beautiful one. सारी लड़कियां जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको मेरा बात मान लेना है, आपका जीवन बड़ा खूबसूरत हो जाएगा. Yes, as the Bible says, fearing God is the beginning of wisdom. जी हाँ, बाइबल कहती है परमेश्वर का डर जो है बुद्धि की शुरुआत है. That's right. So when we fear him, he gives us wisdom on how to lead our life. जब हम उनका भय मानते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं किस तरह से अपने जीवन की अगुवाई करनी है. In our work, in our family, and in whatever we do, even in our personal life. हमारा काम, हमारा परिवार, यहाँ तक हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या करना है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं. So as you always say, reading the Bible and praying is the foundation. जब आप हमेशा कहती है बाइबल पढ़ना और प्रार्थना जो है हर एक बात का नींव है. And having the Holy Spirit in us to lead us each day as a friend. एक मित्र के समान पवित्र आत्मा हर रोज हमारी अगुवाई करेंगे. So these are wonderful tips that we learn from your life. आपके जीवन से ये सारा खूबसूरत बात हमने आज सीख लिया है. So would you lead all the young women in prayer? जी हाँ, क्या आप सारी जवान लड़कियों के लिए प्रार्थना करेंगे? Yes, shall we pray? जी हाँ, प्रार्थना में जाएं. Father, we come to thee for all the blessings you give to your people. पिता, आपके सामने आते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए. Those who are watching this program, let them be blessed through the word of God. जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके वचन के माध्यम से आशीषित हो जाएं. Through your wonderful presence, O Father. आपके बेहतरीन हजूरी के माध्यम से आए पिता. Thank you, Lord, for all my grandchildren. धन्यवाद प्रभु मेरे सारी नाती पोतियों के लिए. Give them all that they need. उनके हर एक जरूरत को पूरा करें. In Jesus name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ. Amen. Amen. So once again, happy birthday, Pama. Thanks, Ma. God bless you too. Taken time to make me happy. Pama, आपको जन्मदिन मुबारक हो. जी हाँ, आपका धन्यवाद. आपने समय निकाला, मुझे बड़ा हर्षित किया. So, my dear friends, I hope you enjoyed Stella and Stella today. मेरे अनमोल मित्रों, मुझे बड़ा खुशी है कि आप Stella और Stella दोनों का कार्यक्रम में बड़ा आनंद लिए होंगे. Even now, we have a special guest. अभी हमारे पास एक विशेष अतिथि है. Who's coming to join us? So, shall we see who it is? वो हमारे साथ शामिल होने वाली है. आइए देख लेते हैं वो कौन है. Our special guest is here. So, Pama, let's cut the cake.
Happy birthday, Pama. Thanks, Kale.